अगला गुणधर्म देखते हैं, योग गुणधर्म। योग गुणधर्म एवं अंतर गुणधर्म। इनमें से हम पहला ले लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, जहां एक्स इंटू वाई इज लेस देन वन। ध्यान रहे बच्चों, यहां पर ये दो कोण है, उसको एक कोण के रूप में कैसे लिखेंगे? दो कोण का योग है ये दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको एक फंक्शन के रूप में कैसे लिख सकेंगे? ये गुणधर्म अभी हम सिद्ध करेंगे ये कैसे आता है। ठीक इसी का अंतर हम देखते हैं, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई, जहां एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन। और इसमें योग में एक और गुणधर्म है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। लेकिन इसका शर्त जो है एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन, ये ध्यान रहे बच्चों, एक्स इज ग्रेटर देन वन, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो। इस शर्त के लिए यहाँ पर लगता है पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो इन शर्तों को याद रखिए। जैसे हम इनमें से एक को प्रूफ करते हैं, जैसे हम पहला का प्रमाण देते हैं ये कैसे आया। ठीक है बच्चों, तो इसमें से देखिए दो कोण हैं, इनमें से कोण ए मान लीजिए, माना कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोण ए और टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोण बी। चूँकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन एकैकी तथा आच्छादक है अपने प्रांत पे, हम अपने परिसर पे, तो हम इसलिए इसको लिख सकते हैं एकैकी आच्छादक होने के कारण एक्स इज इक्वल टू टेन ए और वाई इज इक्वल टू टेन बी। ठीक है बच्चों, अब आपको दो कोणों के योग का टेंजेंट यानि कोण योग सूत्र आपको पता है, सिंस टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम मान रखते हैं टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए एक्स टेन बी तो प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, इनका मान रख दिया टेन ए और टेन बी का मान रख दिया। ठीक है, इस योग सूत्र को आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये इलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ रखा है। अब एकैकी आच्छादक होने के कारण लिख सकते हैं देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, देयर एम्प्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपन वन माइनस एक्स इंटू वाई, क्योंकि एकैकी आच्छादक है। ठीक है, अब हम ए और बी का मान रख दें। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप देखिए ये जो सपोज किए हैं वापस मान रख दीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस ये टेन इनवर्स वाई और इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई।
तो इस प्रकार से हम इस गुणधर्म को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अन्य दो गुणधर्मों को आप स्वयं सिद्ध करेंगे। मान लीजिए आपको ये सेकंड वाला प्रूव करना है, तो सेकंड के लिए आप बस यहाँ पर क्या पुट करना है, जहाँ y दिख रहा है वहाँ पर माइनस y पुट कर देना है, तो आपको सेकंड वाला मिल जाएगा। ठीक है, पहले वाले में आपको क्या पुट कर देना है, y के जगह पर माइनस y, तो दूसरा वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी में एक और योग गुणधर्म है इसके उपप्रमेय के रूप में, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये उपप्रमेय है, इसको भी आप इसी के अंतर्गत याद रख सकते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू एक्स। तो इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए आप टेन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला लगा लें। इसको सिद्ध करने के लिए याद रहे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप प्रूव कर सकें। टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला लगाएं, इनमें से इसको आप एक कोण मान लें ए प्लस बी को, और इसको दूसरा कोण मान लें, तो आप वही फार्मूला टेन ए प्लस बी का ही फार्मूला लगा लें। तो ये होता है टेन ए यानी टेन पहला कोण का टेंजेंट प्लस दूसरा कोण, इस पूरे को पहला कोण मान रहे हैं आप, अपान वन माइनस पहला कोण का टेन और इनटू दूसरे कोण का टेन। इस फार्मूला से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। तो इस प्रकार हम आगे इन गुणधर्मों का उपयोग करेंगे। कुछ और गुणधर्म है, आइए देखते हैं।